84 साल के पूर्व चीनी सैनिक वांग क्यूआई को 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जासूसी के आरोप में भारत ने गिरफ्तार किया था। वो 1969 तक जेल में रहे। रिहा होने के बाद वो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तिरोड़ी गांव में बस गए, जहां उनकी शारीरिक विशेषताओं के कारण उन्हें राज बहादुर कहा जाने लगा। वांग क्यूआई ने 1974 में एक भारतीय महिला सुशीला मोहिते से शादी कर ली। अब उन्हें पहचान के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वो चीन जाने के लिए वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विदेशी क्षेत्र पंजीकरण कार्यालय यानी FRRO ने उन्हें ये साबित करने को कहा है कि वांग क्यूआई और राज बहादुर एक ही व्यक्ति हैं। हमारा भाई फोन कर रहे तो क्यों नहीं आया, पूछते जब तबीयत खराब क्यों नहीं आए, तो हमारे नहीं तो वीजा नहीं मिले, मैंने क्यों नहीं मिले पता करो। फिर हम इधर तो वीजा के पीछे लगे हो, वीजा के पीछे लगे मेरा मुश्किल। वांग क्यूआई के बेटे विष्णु वांग का कहना है कि उनके पिता FRRO को जो दस्तावेज दिए हैं उन्हीं के आधार पर वो पहले चीन जाने के लिए वीजा लेने के काबिल थे। एग्जिट परमिट के लिए मैंने FRRO में अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो एग्जिट परमिट में अभी वहाँ से क्वारी ये निकली है कि इनका नाम जो है वांग की पासपोर्ट में है और इनके जो मम्मी के हमारे मम्मी के नाम के सामने इनका नाम राज बहादुर यहाँ पे लिखा गया है, तो उनने ये बोल रहे हैं कि भाई इसका हमको क्लेरिफिकेशन दो, जस्टिफिकेशन दो कि भाई ये राज बहादुर और ये वांग की एक ही आदमी है। वांग क्यूआई ने पहली बार फरवरी 2017 में चीन की यात्रा की और उसके बाद अगस्त 2017 और जनवरी 2018 में वो चीन गए थे। उनकी पत्नी का 2019 में निधन हो गया और अब वो चीन में अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद है कि चौथी यात्रा के लिए उनके वीजा आवेदन को मंजूरी मिल जाएगी।